हाय फ्रेंड्स, मैं नीलम शेठ पुणे से बात कर रही हूँ। आज ये 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से हम खुद का हाइजीन कैसे मेंटेन करना वो सीख गए हैं, राइट? लेकिन हमारे घर के जो भी सरफेसेस है उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरसेस होने के चांसेस है, उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए कुछ प्रोडक्ट या तो सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट? वो प्रोडक्ट सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और वो इजी टू यूज, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक भी है। उसका नाम है एम्बेका परस्यू। ये डिसइंफेक्टेंट है, क्लीनर, सैनिटाइजर, वायरोसाइड, डिओड्राइज, जर्मिसाइड है। ये कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से इसको डाइल्यूशन करके यूज करने का है। अगर घर में यूज कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 8 ml के हिसाब से यूज करने का है। ये हॉस्पिटल, जिम, ब्यूटी पार्लर, वर्कशॉप, फैक्ट्री, स्कूल, मतलब जहाँ लोग हैं वहाँ हर जगह पे आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ 300 रुपये में 500 ml मिल रहा है और आप सोचिए, 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 ml ही डालना है तो आपका कॉस्ट पर यूज क्या आता है, सिर्फ 2 रुपया। अभी जहाँ फूड कॉन्टेक्ट होता है वहाँ पे बाकी कोई प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये डाइल्यूशन करके यूज कर सकते हैं। ये 500 ml की बॉटल है, उसमें मैंने 500 ml पानी लिया है और सिर्फ 2 ml ही डाला हुआ है और अभी देखो मैं हर जगह पे इसको स्प्रे कर रही हूँ। आपको ये स्प्रे करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ये पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। इसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल भी पूरी निकल जाएगी। इसको पहले LOC से साफ करना है। मैंने LOC से पूरा साफ किया है और अभी ये मैं पूरा डिसइंफेक्ट कर रही हूँ। ऐसे आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो भी हार्ड सरफेसेस है उसके ऊपर मैं यूज कर रही हूँ, जैसे नल है, सिंक है, वहाँ हर जगह पे मैं ये आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। पहले मैंने फ्रिज के लिए सिर्फ 2 ml ही डाला था 500 ml में, अभी मैंने ये 2 ml और परस्यू इसमें ऐड कर दिया है तो ये 4 ml है। वो आपको ध्यान रखना है और हर जगह पे आपको जो ये यूज कर रहे हैं उसके बाद पानी यूज नहीं करना है। मैं देखो ये सब जगह पे स्मेल जो आती है, बंद रखते हैं स्मेल आती है, तो हर जगह पे ये स्प्रे कर देना, तो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाता है और हानि भी नहीं करता आपको। आप फ्रिज से भी समझ गए होंगे कि हमने ये जो लगाया है उधर खाना रहता है उसको भी हम इतना क्लीन कर सकते हैं। हर जगह पे ये डाल दूंगा। अभी मैं बाथरूम में आई हूँ और परस्यू में इधर आपको बाथरूम में कैसे यूज करना वो दिखाती हूँ। जो हमारे टैप है, सिंक है, की गटर रहती है, जैसे हमारे ये ब्रशेस है, वो ब्रश हम रात को करते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे कप में थोड़ा पानी और ये डालना है थोड़ा सा और उसमें ये डाल के, अभी मैंने डाला हुआ है और उसमें ऐसे डाल के आपको ये छोड़ देना है। ऐसे ही आपको छोड़ देना है, वो सुबह तक पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप देखो ये कपाट रहते हैं, मतलब हर जगह पे कपाट, अभी मैं आपको इधर दिखा रही हूँ, हर जगह पे कपाट रहते हैं। फिर हमारे जो गटर रहती है, हमारे जो ये कॉर्नर्स रहते हैं, चीते रहता है, फंगी साइड पूरी फंगस रहती है, स्मेल आती रहती है बाथरूम में, और हर जगह पे आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ हाथ लगता है वहाँ हर जगह पे आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो पूरा वो डिसइंफेक्ट, और उसको ऐसे ही छोड़ देना। आपको उसके बाद पानी नहीं डालना है, तो जनरली रात को आप यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और ये जो सॉल्यूशन है उसको भी आपने बनाया हुआ है तो वो 24 आवर्स में आपको ये यूज कर लेना है, इसको बना के रखने का नहीं है। आपके फ्लोर के बटन को डिसइंफेक्ट करना है तो आप एक कपड़े के ऊपर लीजिए और उसको डिसइंफेक्ट कर लीजिए। अभी हमारी जो डस्टबिन रहती है उसको भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उधर हमारे काफी हाथ लगता है, तो ये मैंने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया है और छोड़ दिया है। और ये जो स्विच बोर्ड है उसके लिए आप वापिस कपड़े के ऊपर लेके उसको डिसइंफेक्ट कर दीजिए। अभी हमारे जो लैपटॉप, मोबाइल, रिमोट, ये भी हम क्लीन कर, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं तो उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे टिश्यू लेना है उसके ऊपर रिमोट करना है, स्प्रे करना है और उसको आपको पूरा पोंछ देना है, ये पूरा डिसइंफेक्ट हो जाता है। और उसको ऐसे ही छोड़ना है, ये बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बाद में वापस पानी नहीं लगाना है।
और ये इसको छोड़ दिया वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, बायोडिग्रेडेबल है, तो वो पूरा इवापोरेट हो जाता है। अब ये पूरा डिसइंफेक्ट कर दिया, देखा आपने स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के ऊपर भी जैसे मैंने बताया था आपको टिश्यू पेपर के ऊपर या तो कपड़े के ऊपर लेके आपको साफ करना है, क्लीन करना है। और दूसरा जो मैं एक आपको आइडिया दिखाती हूँ कि अभी जब हम बाहर जाते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है कि हमारे हमको उधर भी बहुत सारे सरफेसेस को टच करना रहता है, बराबर है। तो ये जो भी मेरे पास डाइल्यूशन है उसको हम इसके ऊपर डाल के रेडी करके रखेंगे और इसमें डाल के रखेंगे, जब भी जहाँ जाएंगे उससे हम पूरा डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें और डिटेल्स है, जानकारी हम ले सकते हैं। आज मैंने कम टाइम में ज़्यादा देने की कोशिश की है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।